तो हे दोस्तों, आज हम बात करने वाला है द सूत्रा 30x टैबलेट के बारे में। तो इसे हेट्रो ड्रग द्वारा बनाया जाता है। इसके अंदर ड्यूल मॉलिक्यूल ऐड किया गया, सिडनाफिल 50mg है, डेपोक्सटिन 30mg है। तो इसकी जो कॉस्ट है वो 4 टैबलेट के लिए 264 रुपया है। तो इसे इन समस्याओं में डॉक्टर आपको देते हैं, जैसे कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या प्रीमैच्योर एजाकुलेशन होता है, पहले ही आप नर्वस हो जाते हैं तब इसे दिया जाता है। तो जैसे कि आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन चल रहा है तो इन कंडीशनों में इसे दिया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी जानकारी शेयर करने वाला हूँ कि क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए इसे लेते समय और किन समस्याओं में इसे आपको लेना चाहिए। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो द सूत्रा 30x टैबलेट अगर देखा जाए, अगर इसको ओपन करके तो इस तरह का दिखता है, ब्लू कलर में टैबलेट। तो इसे तभी दिया जाता है जब आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, जैसे कि आपका जब आप काम करने के इच्छुक होते हैं तो आपका जो पेनिस है वह स्टैंड नहीं हो पाता है, तो उन समस्याओं में रहता है। या जैसे कि आप जब जाते हैं अपने पार्टनर के साथ में, आप बहुत जल्दी वीक पड़ जाते हैं, आपका जो रहता है बहुत जल्दी ही वीक हो जाता है, तो उन समस्याओं में आपको यह दिया जाता है कि काफ़ी अच्छे से हेल्प करता है। जैसे कि अगर आप इसे लेते हैं तो आपका ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है, और साथ में जैसे ही अगर आप इसे लेते हैं तो देखेंगे कि आपका जो ड्यूरेशन के साथ में और आपको जो कि इरेक्शन भी अच्छा से होने लगता है, तो काफ़ी हद तक ये आपको मदद करता है। जैसे कि अगर आपको इस तरह की समस्या है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की और प्रीमैच्योर एजाकुलेशन की, तो इसे हेल्प कैसे करता है अगर इसके वर्क के बारे में देखें, तो जो सिडनाफिल सिट्रेट है ये क्या करता है कि पेनिस के अंदर ब्लड के फ्लो को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो इरेक्शन आपका होने लगता है और अच्छे से होता है। और जैसे कि इसके अंदर ऐड किया गया है डोपैक्सटिन, तो ये क्या करता है कि सेरेटिन की उसे इंक्रीज कर देता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो नर्व्स रहती है वह इस तरह से वर्क करने लगती है कि जो आपका प्रीमैच्योर एजुकेशन है वह कंट्रोल रहे और आप उसे काफ़ी समय तक आपको ड्यूरेशन मिल जाए, जो जिससे आप अपने पार्टनर को अच्छे से सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से आप इसे ले सकते हैं। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो खाना खाने के बाद ले सकते हैं, और जैसे कि आपको अपने पार्टनर के साथ में होना है तो 30 मिनट पहले लेंगे तो बहुत ही बेस्ट रहेगा, और लेने के बाद आप 2 गिलास तक पानी पिए तो भी अच्छा है। काफ़ी अच्छे तक ये आपको हेल्प करेगा प्रीमैच्योर एजाकुलेशन में और जैसे कि आपको जैसे कि इरेक्शन में। तो काफ़ी समय क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे अभी आते हैं बिना डॉक्टर की सलाह से भी इसे लेते हैं, तो जो नहीं करना चाहिए, आपको डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसे लेना चाहिए। अगर आप पहली बार इसे ले रहे हैं तो आप जहाँ तक हो कि इसे हाफ टैबलेट ही लें, जो आपके लिए बहुत ही काफ़ी हो जाएगा और आप काफ़ी आपको समय भी मिल जाएगा, और जैसे कि आपका जो एजुकेशन है वो बच जाएगा और जैसे कि आपका इरेक्शन अच्छे से होगा। जैसे कि आप हर दिन लेना स्टार्ट कर दिए तो हो सकता है आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को आने लगेगा, जैसे कि काफ़ी समय यह फ्यूज भी हो जाता है जो आपको वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इसे आप 10 से 15 दिन के अंतराल में लें, और भी इसके साथ में जैसा कुछ अगर लेते हैं जैसे कि रिवाइटल वगैरह, तो काफ़ी हद तक आपको हेल्प कर देगा। जैसे कि इम्यूनिटी बूस्टर कोई ले रहे हैं तो काफ़ी अच्छा से हेल्प कर देगा आपको, तो काफ़ी अच्छा है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और जहाँ तक रहे आप बिना डॉक्टर की सलाह से इसे ना लें, जब तक आप डॉक्टर की सलाह लें उसके बाद ही इसे लें। अगर आप खुद से लेते हैं बिना डॉक्टर की सलाह से, ये आपको हेल्प करेगा लेकिन हो सकता है आपको साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको उल्टी आ सकती है, जी मचला सकता है, मुंह में पानी की कमी हो सकती है, ब्लर विजन हो सकता है, थोड़ा सा चक्कर जैसा महसूस हो सकता है, और जैसे कि आपका जो पेट हाजमा वो ख़राब हो सकता है, ये सारी समस्या आपको देखने को मिल सकती है, जिससे आपके कान बच सकते हैं, आंखों से पानी जैसा बहने लगेगा, ये सारी समस्या देखने को मिलेगी। तो जहाँ तक मैं कहूँगा कि इसे आप ओवर द काउंटर ना लें, डॉक्टर की सलाह से लें। और देखा जाता है कि जैसे मोस्टली इसे 20 से 25 साल की उम्र में लोग ज़्यादा इसे लेते हैं, तो इसे नहीं करना चाहिए, आपको इसे ख्याल रखना चाहिए जब आप काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं या उसके बाद के हैं, तभी आपको ज़रूरत पड़नी चाहिए। जहाँ तक हो आप बिना इसके ही करें तो अच्छा रहेगा। अगर आप वीडियो चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और जैसे फ्यूचर में और भी मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से अपने आपको अपडेटेड रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।